ईवी सो गई कोई? हम लोग जा रहे हैं शामली, शगुन की है फेयरवेल पार्टी। मुझे भी ऐसे डर लग रहा था फिर नाचते हुए। देखिए यहाँ पर नो कंट्रोल। इसके भी सैंडल दे दूँ, मगर अभी तो बैठना भी नहीं आता इससे। दुकान वाला कह रहा था। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल एंड वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और गाड़ी का नॉइज आ सकता है, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ नॉइज के बारे में बोलती जरूर हूँ। हम लोग जा रहे हैं शामली, शगुन की है फेयरवेल पार्टी, तो हम शगुन के लिए आउटफिट लेने जा रहे हैं। सो यस, आपको शामली दिखाते हैं, जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगी। और बस अब निकल लिए, जरा मैं थोड़ी सी रेडी हो जाऊँ। चलिए मुझे भी ऐसे डर लग रहा था फिर नाचते हुए। सही है, चलो छो। उनतालीस है ना ये साइज? 38 है। 39 दिखाओ, 39 दिखाओ भैया। 39 काफी बड़ा रह जाएगा। नहीं, नहीं, जिसके लिए ले रहे हो उसका पैर बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा। हूँ जी, हूँ जी, आपके लिए भी ले ले, आपके लिए भी ले ले चची। सो फाइनली हमारी सारी शॉपिंग हो गई है। शगुन का गाउन लिया है, उसकी मैचिंग ज्वेलरी ले ली है, और अद्वी के सैंडल्स लिए हैं। वो इंग्लैंड से तो शूज़ ही पहन के आई थी, और फ्लिप फ्लॉप्स हमने उसके लिए लिए थे। और जैसे स्कर्ट वगैरह पहने या फ्रॉक पहने तो उसके साथ के उसके पास नहीं थे, तो वो लिए हैं। और घर जाके मैं कोशिश करूँगी दिखा दूँ, हालांकि अंधेरा हो जाएगा जब तक हम लोग पहुँचेंगे, और फिर रात को लाइट इतनी अच्छी रहती नहीं है। बट आई विल ट्राई कि चलो मैं दिखा दूँ आपको, जैसी भी होगी क्वालिटी लाइट की, इट्स फाइन। और घर के कुछ थोड़े बहुत सामान भी हैं,
और अभी बस विकास गए हैं बाहर फ्रूट्स लेने के लिए पापा के लिए, क्योंकि पापा मोस्टली वही खिचड़ी मूंग की दाल यही सारी चीज़ खाते हैं और फ्रूट्स यही चल रहा है उनका। तो बस अभी फ्रूट्स लेने के लिए गए हैं और फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और पता पानी पताशे वाले की, गोलगप्पे वाले की दुकान, टिक्की की दुकान देख देख के मन ऐसा कर रहा था कि खा लो, पर गर्मी की वजह से ना हिम्मत नहीं हो रही थी कि स्टॉल पे खड़े होके खा ले। तो देखते हैं क्या पता हम लोग पैक करा के ले जाएं। विल सी दैट। शगुन हैप्पी? यस। शगुन बड़ी खुश हो गई, शगुन की फेयरवेल पार्टी है। तो शगुन आ रही है दोनों की, दोनों एक ही क्लास में है, दोनों ट्वेल्थ में आए हैं। तो अरे ट्वेल्थ में आए तो तुम लोग दे रहे हो ना फेयरवेल? हाँ, ये सीनियर्स को फेयरवेल दे रहे हैं। तो शगुन जो है वो एंकरिंग भी कर रही है, तो कल को उसको प्रैक्टिस भी करनी है। चलो जी घर पहुँचते हैं। ना दुकान वुकान का इतना ज़्यादा रिकॉर्ड हो नहीं पाता, एक तो लोग बहुत सारे होते हैं और फिर ना सब देखते भी है कि ये क्या कर रही है, तो वो थोड़ा कम ही रिकॉर्ड हो पाया। बट जितना हो सका छोटी छोटी क्लिप्स कुछ शगुन ने कुछ मैंने रिकॉर्ड करी है। चलो रास्ते का देखते हैं और फिर घर जाके आपको सामान दिखाती हूँ जो कुछ भी लिया है। यहाँ पर नो कंट्रोल, नो कंट्रोल। नहीं वो भी मेरे साथ शेयर कर रही है। नो कंट्रोल, समोसे पैक होकर आए थे लेकिन खुशबू से चाची से रुका नहीं गया। बिल्कुल नहीं, बनत वाले के समोसे हैं ये। शामली में फेमस है ये वाली शॉप, बनत वाले के समोसे। और कितने दिन हो गए हमें आए हुए? 6-7 दिन हो गए और अब तक नहीं खाए थे। और अब जैसे ही वो आया ना पैक, तो वो खुशबू रुका नहीं गया। और ये भी देख रही है मुझे कि मम्मा क्या खा रही है। मम्मा सब में फेवरेट समोसा खा रही है। काश आप लोग टेस्ट कर पाए। और शामली से शॉपिंग करने आने के बाद मैं फ्रेशन अप होके कपड़े उपड़े चेंज करके किचन में आ गई थी और फिलहाल यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। सब्जी जो है वो दीदी ने बना दी थी हमारे आने से पहले ही। और एक कमेंट आया था कि आप जेठानी को भाभी क्यों नहीं बोलते हो, दीदी क्यों बोलते हो? तो यू नो हर इलाके का, हर घर का अपना एक रिवाज होता है, भूलने की भाषा होती है। तो हमारी तरफ जेठानी को दीदी ही बोला जाता है, भाभी नहीं बोला जाता है, और इसीलिए मैं दीदी बोलती हूँ। और यहाँ पे बस रोटियाँ रही है और आप नोट कर रहे होंगे कि नीचे ही गैस स्टोव रखा हुआ है, इवन दो ऊपर स्लैब है, काउंटर टॉप है, बट यू नो अगर मम्मी को कभी एक कप चाय भी बनानी पड़ जाए अपने लिए कुछ भी, तो उनकी वजह से सारी चीजें उनकी कन्वीनियंट के हिसाब से की हुई है पूरे घर में। ऑलराइट, अभी ये कुछ क्लिप है जब हम लोग बाहर थे शॉपिंग करने के लिए और ये आर्य शौर्य ने मोबाइल से रिकॉर्ड करी है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि प्लीज़ गांव का कुछ कल्चर जो भी करते हैं वहां पे वो आप दिखाइए। तो जब हम लोग गए हुए थे तो उस टाइम दूध का टाइम हो रहा था, तो मम्मी यहां पर दूध निकालने आई हैं। तो पहले जो भैंस का बछड़ा होता है, हाँ बेबी जो है उसका, उसको छोड़ दिया जाता है तो वो दूध पीता है, फिर जो बचता है वो फिर मम्मी निकाल लेती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है यू नो। और ये जो गाय भैंस होती हैं ये बहुत हैबिचुअल हो जाती हैं किसी भी एक इंसान से दूध निकलवाने के। लाइक हमारे घर में ये जो भैंस है किसी का हाथ नहीं लगने देती है, सिर्फ मम्मी ही दूध निकाल सकती है। अगर कोई और निकालता है तो फिर ये दूध नहीं देती है और बहुत परेशान हो जाती है। तो ये एक बंधा काम है मम्मी का, जिसकी वजह से वो कहीं ऐसा सच बाहर भी नहीं जा पाती। जो सर्टेन टाइम होता है मॉर्निंग और इवनिंग का जब दूध निकलता है, तो मम्मी को उस टाइम पे घर पे रहना ही होता है। तो अगर मम्मी कहीं जाती भी है तो एक सर्टेन विंडो के लिए ही वो कहीं जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है अदरवाइज। तो बस यहाँ पे जो है वो मम्मी दूध निकाल लेंगी और इसके बाद जो है फिर इस दूध को गर्म किया जाएगा। और क्वालिटी थोड़ी सी इस क्लिप की अलग सी है, क्योंकि एक तो यहाँ पे लाइट नहीं थी और दिन भी छिप रहा था, और फिर ये मोबाइल जो है वो दूसरे वाला है, तो इसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है। बट एनी हाउ आपको एटलीस्ट ये गाँव की एक चीज़ तो देखने को मिली है
एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना इंजॉय कर रहे हैं जो भी मैं गाँव की आपको सीरीज में दिखा रही हूँ एपिसोड. ओके, अब यहाँ पे है ये एक और क्लिप. ये है मेरी दादी सास और मेरे ससुर पापा, और ये दोनों यहाँ पे गाय भैंस के लिए चारा काट रहे हैं. और आई थिंक ये बरसी तो नहीं है, बरसी बोला जाता है, आई थिंक वो सर्दियों में लगती है खेत में, ये कुछ और है, मुझे ध्यान नहीं रहा, विकास से पूछना, नहीं तो मैं बता देती. कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे ईख होता है जो शुगर केन होती है, बट आई एम नॉट श्योर 100%. तो जो भी है हरा है ये, और ये गाय भैंसों के लिए कट किया जाता है. और ये जो मशीन है ये ट्रैक्टर से चलती है या बिजली से चलती है, आई थिंक, हाँ ये अब ट्रैक्टर से नहीं चलती, पहले इसको ट्रैक्टर से चलाते थे क्योंकि लाइट वगैरह जब कम रहती थी, लेकिन अब जो है वो लाइट अच्छी रहती है तो इसको इलेक्ट्रिक जो है कनेक्शन किया हुआ है. इवन दो पहले टाइम में ये मैनुअली होता था कि मैनुअली इसको चलाते थे मशीन को और फिर इसमें से चारा कटता था. अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसका ये चक्र है इसमें आपको एक डंडा दिखाई दे रहा होगा, तो वो हाथ से चलाया जाता है. और बहुत टाइम पहले जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे बड़ा शौक चढ़ा था जब पापा शाम को घास काटते थे, और मैं उस टाइम पे अगर गांव में होती थी तो फिर मैं पापा के साथ थोड़ा बहुत ये कटवाती थी. कुछ एक क्लिप हैं बट वो मुझे ढूंढनी पड़ेंगी, वो बहुत पुरानी हार्ड ड्राइव में होंगी, अगर मुझे मिली तो आगे आने वाली किसी वीडियो में मैं जरूर शेयर करूंगी. और यू नो गांव का जो काम होता है इट इज सच अ फन, और मजा भी बहुत आता है. तो यहाँ पे मेरी दादी सास, माँ, माँ बोलते हैं हम इनको, और पापा, ये दोनों गाय भैंस के लिए चारा कट कर रहे हैं. और अभी यहाँ पे मम्मी आ गई हैं ऊपर, और चूल्हे के ऊपर जो है वो दूध गर्म हो रहा है, और मम्मी आप सबको हाय हेलो बोल रही हैं. मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि फैमिली मेंबर से बात कराइए, उनसे मिलवाइए. तो यू नो मम्मी, पापा, माँ, ये सब लोग जो हैं वो इतने कैमरा शाई हैं, और फिर लैंग्वेज भी थोड़ी सी अलग है, तो इनको ये लगता है कि पता नहीं कोई क्या बोलेगा. हालांकि मैंने कहा भी कि कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट दे आर शाई. और फिर यू नो जब एजिड हो जाते हैं तो हम फोर्स भी नहीं कर सकते, तो जिस तरह से वो कम्फर्ट है बस उसी हिसाब से मैं रिकॉर्ड कर रही हूं. वैसे तो मैंने सबसे आपको मिलवा ही दिया, आपको बता ही दिया कि कौन कौन है, और बातचीत थोड़ी बहुत जो हमारी आपस में होती है वो भी आप सुनते ही रहते हैं, बट हाँ इस तरह से कैमरा पे आके इंट्रोड्यूस कराना वो थोड़ा सा मम्मी के लिए जो है वो शाई वाला काम हो जाता है, थोड़ा सा शर्मा जाती है. और सेम विद पापा, पापा तो इवन बहुत ही कैमरा शाई, उनकी तो क्लिप्स भी बड़ी मुश्किल से ही रिकॉर्ड की जाती है. ओके, तो ये कुछ क्लिप जो थी वो फ्लैशबैक की थी जब हम लोग बाहर मार्केट में थे, और अब हम करंट स्टेट में आ चुके हैं. तो यहाँ पे हमारा डिनर चल रहा है, मैं और शगुन ऑलमोस्ट साथ ही खाते हैं, दीदी भी हमारे साथ कभी कभी बैठ जाती है, बट दीदी को कई बार होता है कि बिल्कुल सारा काम निपटा के मैं तभी खाऊं, तो कई बार ऐसा होता था कि हाँ वो हमसे बाद में खाती थी, कई बार ऐसा होता था कि पहले खा लेती थी, कई बार हमारे साथ, तो ऐसा ही हमारा सबका रूटीन हो जाता था, बट मोस्टली हम तीनों जो है वो साथ ही खाते थे. तो फिलहाल यहाँ पे जो है वो बातचीत चल रही है, और विकास ने जो है ये थम्सअप वाली बॉटल हमारे सामने ला के लगती है कि देखो ये दोनों की दोनों जो है ये पूरी इसको पी लेंगी. तो डिनर होने के बाद अब यहाँ पे जो शॉपिंग है ये हमने ओपन करी थी, और ये है शगुन का गाउन जो खरीद कर लेकर आई हूँ मैं. और वैसे तो मैं यहाँ से भी बहुत सारा सामान उसके लिए यूके से लेकर गई थी, बट उसको कुछ डिफरेंट स्टाइल का चाहिए था तो ये गाउन लिया है. और ये कैमरा में एक्चुअली बिल्कुल ब्लैकिश आ रहा है, बट ये डार्क ग्रीन कलर का है, और अभी फिलहाल मुझे प्राइस ध्यान नहीं हो, आई थिंक 2000 के करीब का होगा. और इसकी बेल स्लीव्स ये प्लीटेड वाली बहुत ही सुंदर है, और पहनने के बाद शगुन इतनी प्यारी लग रही थी. फोटो है मेरे पास, मैं साइड में कहीं पे लगा दूंगी तो आपको दिख जाएगा. एंड टच वुड, शी इज लुकिंग सो प्रिटी इन दैट. और खिला भी बहुत है उसके ऊपर ये वाला कलर, बट ये डार्क ग्रीन कलर का है, कैमरा जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है. तो इस गाउन के साथ और मैचिंग जो है वो ज्वेलरी भी ली थी. इसमें जो ये बेल्ट है ना, इसमें थोड़ा सा गोल्डन ये मिरर लगा हुआ है, प्लास्टिक मिरर है, रियल मिरर नहीं है ये. और इसकी लेंथ वगैरह भी बिल्कुल परफेक्ट आई थी, नहीं तो कई बार हमें लग रहा था कि गाउन जो है ना वो बहुत लंबे मिल जाते हैं. इवन दो उसको कुर्ती और प्लाजो लेने का मन था, बट कुर्ती प्लाजो जो है वो उसके साइज का नहीं मिला क्योंकि बहुत ही दुबली पतली सी है शगुन. और ये इसके साथ जो है वो मैचिंग हमने चूड़ियां ली थी, और सेम शॉप से ही हमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल गई थी, लाइक कपड़े एक जगह से मिल गए थे और ज्वेलरी एक जगह से मिल गई थी, तो बहुत ज़्यादा हमको टाइम लगा नहीं, और सारी चीज़ जो है वो शगुन की पसंद की आ गई थी. दैट इज़ बेस्ट
थिंग, और ये है उसके चांद वाली बोल दो इनको, और उसके इयर रिंग सेलेक्ट करने में ओ माई गॉड सच अ हार्ड वर्क, क्योंकि उसके कान के छेद बहुत ही बारीक है, मुश्किल से ये वाले जो है वो उसके कान में आए थे, पसंद और भी आ रहे थे। एक ये ब्रेसलेट लिया है एक हाथ में पहनने का, मैं उसको बोल रही थी कि घड़ी पहन जाना, बट उसको ये था कि ब्रेसलेट ही पहनना है, तो एक हाथ के लिए ब्रेसलेट और एक हाथ के लिए उसकी चूड़ियां ली है, और ये छोटा सा उसका चोकर स्टाइल, क्योंकि बहुत हैवी नहीं पहनना था और गर्मी भी फिर ज्यादा ही हो रही थी, और फिर वो बहुत ओवर लगता है, गाउन जो है वो बिल्कुल ऊपर से प्लेन था, तो इस वजह से वो लिया है। तो ये थी कुछ शॉपिंग। इसके अलावा मैंने अपनी एक जोड़ी चप्पल ली है और अद्वी के सैंडल, और यहाँ पे अद्वी जो है ना वो मेरे वाली पहन के दिखा रही है और उसको मेरी पसंद आ गई है, और अभी मेरा और अद्वी का पैर का जो साइज है साइज 5 वो सेम चल रहा है। देन शी इज सो हैप्पी कि मम्मी की अब मैं भी पहन पाऊंगी, और ये क्लिप एक्चुअली नेक्स्ट डे की है। तो ये थी थोड़ी सी शॉपिंग। इसके अलावा जो घर के कुछ हम छुटर पुटर सामान लेकर आए थे वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि कुछ सामान जो है वो आते ही एकदम यूज में हो गया था, और कुछ सामान जो है वो अंदर रखा गया था कि हाँ अभी जरूरत नहीं है बाद में निकाल लेंगे, तो इस तरह से वो मैं दिखा नहीं पाई। तो यहाँ पे विकास, ईवी और बुआ जी, मेरी बुआ सास, ये सब बैठे हैं, मैं भी यहीं बैठी थी बातें कर रहे थे, सफाई फाई का काम हो गया था और बस मैं शावर लेने जाने वाली थी। तो यस, बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। Bye-bye.